बसम्स अल्लाम जी मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मगविया बच्ची की तरह लापता होने वाली निमरा काजमी घर वापस पहुंच चुकी है आपको बताती चलूं कि उनके वाले से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक वहां पर बच्ची महफूज नहीं थी वहां पर बच्ची को जान का ख़तरा था और बच्ची ने अपने वालद को यही बताया है कि मेरा शोहर मुसलसल मुझ पर तशद करता था मुझे मारता पीटता था निम्रा काजमी की सास के मुताबिक क्योंकि इन सब का वर्जन जो है सुबह से सामने आ रहा है इनके सास ने अब ये कहा है कि जी बच्ची तो गाड़ी में बैठकर किसी के साथ भाग गई थी निम्रा काजमी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने ने काजमी को पुलिस के ज़रिए पकड़ा फिर उसको हम लोगों ने दारान भिजवाया और मैं किसी भी सूरत निम्रा काजमी को अब अपने घर में नहीं रखना चाहती क्योंकि एक तो इसके वालदे बड़े ख़तरनाक है इल्ज़ाम तराशी करते हैं बोहतान लगाते हैं और मुंह उठा के जो है वो हर वक्त चैनल्स के दफ्तर के बाहर चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमारी बच्ची के हवाले से खबरें रिपोर्ट करें उसके ससुराल वाले उसे मार देंगे तो किसी से भी किसी भी सूरत जो है मैं अब निमरा काजमी को अपने घर में नहीं लेकर आना चाहती वो कहते हैं कि जी अगर निम्रा का को कुछ भी हो जाता है तो इसका इल्ज़ाम इसके वालदान हम पर लगाएंगे और फिर हमें जेल भेजवा देंगे क्या हमने उसके साथ बहुत बुरा किया मेरी आज सुबह जो है बड़ी मुश्किल से आपको पता है कि नेटवर्क इशू है बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़ी सी बात हो पाई है निमरा के वालद से और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची वहाँ पर महफूज नहीं थी और हम इस बात पर बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची वापस हमारे घर आ चुकी है और जो है बच्ची इस वक्त काफ़ी दबाव का शिकार है टेंशन में है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसके ऑपोजिट जो निमरा की सास है जो वो कहानी सुना रही है कि जी निमरा तो गाड़ी में बैठ किसी के साथ भाग गई थी इल्जाम तराशी कर रही है बहुत आनबाजी कर रही है इसका सबूत उनके पास नहीं है लेकिन ये बात उन्होंने बैठकर मीडिया में की है ये मीडिया के जो है लोगों के सामने वो इस तरह की बातें कर रही हैं कि जी निमरा जो है वो भाग गई थी तो हमने पुलिस से उसे बाजियाब करवाया उसको पकड़ा और फिर दारुलमान भिजवा दिया जबकि अगर मैं निमरा की वादा का मौक़ बयान करूं तो उनकी जानब से ये कहा गया है कि ये औरत मुसलसल झूठ बोलती है इसके पास निमरा किसी भी सूरत कभी भी महफूज नहीं थी इसी वजह से निमरा जो है अपने शोहर नजीब शाहरुख के साथ जो है वो अलीहदा रह, रह रही थी क्योंकि निमरा को उसकी जान का ख़तरा था इस औरत से जिसकी वजह से वो अपने शोहर के साथ तो रहना चाहती थी लेकिन वो अलग घर में रह रहे थे अब जी उसकी माँ कहती है कि जी किसी भी सूरत जो है वो इस औरत के साथ तो हमने नहीं भेजना हमारी बच्ची इस औरत के पास महफूज नहीं है और अगर हम न्यूट्रल होकर इस बात को सोचें तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर एक औरत एक लड़की आपके बेटे के निका में है तो आप उस पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी वो भाग गई थी किसी के साथ गाड़ी का नंबर भी बताया उसने गाड़ी के बारे में बताया मैं यहां पर डिस्कलोज नहीं करना चाहती कि उस उस गाड़ी में वो भाग चुकी थी हमने पुलिस को जाके बताया पुलिस ने उस लड़की को पकड़ा उसके बाद फिर हमने कहा कि हमने इसे किसी सूरत अपने घर में नहीं रखना और हमने दारुलमान भिजवाना है और मैं इसको कभी भी अपने घर में नहीं रखूंगी अच्छा जी फिर पुलिस ने जो है अदालत में बच्ची को पेश किया और कहा कि जी निमरा शोहर के साथ नहीं रहना चाहती शोहर जो है वो निमरा पे तशद करता है और वो वाले के पास वापस जाना चाहती है शाहरुख खान जी आज शाहरुख जो है वो सुबह से सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है और सुना रहे हैं बयान दे रहे हैं बड़ी कहानियां सुना रहे हैं कि जी हमारे बीच में कोई मसला नहीं है छोटा सा मसला था छोटा सा घर का मसला था तजादात तो आते रहते हैं प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं लड़ाइयां तो होती रहती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वो मेरी बीवी नहीं है बिल्कुल जी निमरा की तरफ से इस बात का इजहार नहीं किया गया कि वो अपने शहर से जो है वो तलाक़ लेना चाहती है या खुला की डिमांड की है उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अभी मामला इस तरह नहीं आए इस नहज पर नहीं पहुंचे आपको बताती चलूं कि सुबह से जी सोशल मीडिया पर इसके शहर का बयान आ रहा है और उसका जो बयान है उसकी वालदा के बयान से मुकम्मल तौर पर तजादात से भरा हुआ है माँ के मुताबिक लड़की ठीक नहीं है जबकि शहर के मुताबिक ये सब सिर्फ घरेलू झगड़ा है और वालदे के पास जाना चाहती थी हमने वालदे के पास भेज दिया इससे बड़ा और कोई मसला नहीं बड़ी अजीब सी बात है कि अगर वालदे के पास चाहती थी तो फिर दारान क्यों गई अगर वाले देन के पास ही जाना चाहती थी तो पुलिस बीच में क्यों इन्वॉल्व हुई अदालत बीच में क्यों इन्वॉल्व हुई और सारे मामला इस तरह से क्यों हुए मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्त से बच्चियों से जो नौ उम्र बच्चियां होती हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं एज हमारी बढ़ रही होती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर हो जाएगी वालदे तुम्हारे अच्छे नहीं हैं तुम्हें मारते हैं और जो हमारी बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं ना उनको अगर वालदे थोड़ा सा डांटे भी तो उनको ऐसा लगता है कि जी हम पर पहाड़ टूट चुके हैं वालदे हमारे दुश्मन हैं अगर हम देखें तो वालद में फिर बोलूँगी कि अगर वालदान मारेंगे भी तो छाओं में मारेंगे वालदे अपने बच्चों को अपनी बेटियों को ना बेचेंगे ना उनका सौदा करेंगे ना उनसे गंदे काम करवाएंगे ना गलाजत से भरी उनको ज़िंदगी देंगे और ना ही रोज़ मारेंगे और रोज़ लड़की को जीना मरना पड़ेगा अब आप देखें कि निमरा गाजमी ने पसंद की शादी तो कर ली जो हमें स्टोरी दिखाई जाती है उसके बाद देखें कि तीन महीने भी अगर हमारी शादियाँ नहीं चल पाती हमारी बच्चियाँ तीन महीने बाद उनको ये लगता है कि जी हमारा शोहर हमारे लिए सही नहीं है उसके ससुराल वाले हमारे लिए सही नहीं है वो मुझे मारता है वो मेरे जज्बात का ख्याल नहीं रखता तो एक बात मेरी हमेशा अपने साथ गिरा बांध लें कि अगर आप भागेंगे अगर आपको वर्गला कर लेकर जाया जाएगा अगर आप अपने घर का वालदे के दरवाजे को बंद करके उनके मुंह पर मार के जाएंगे तो यकीन करें ये दुनिया आपको कभी जीने नहीं देगी ये दुनिया जो है आप के साथ गंदे से गंदा सलूक करेगी क्योंकि जिस तरह से इस वक्त निमरा की सास ने उस पर इल्जाम लगाया है कि वो किसी और के साथ भाग गई थी आप इस बात को अगर लड़कियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो सिर्फ एक बात समझ लें कि अगर आपको किसी लड़के ने वर्गलाया आप उसके साथ पसंद की शादी कर चुकी हैं मोहब्बत करती हैं लेकिन जो धब्बा आपकी जिंदगी में लग चुका है ना कि वो भाग कर आई है और जिंदगी में किसी और के साथ भाग के और चली जाएगी सारी जिंदगी भागती रहेगी इस धब्बे को आप जिंदगी में कभी भी धो नहीं सकते जितना मर्जी अगली पार्टी आपको दिखा रही हो बड़ी मोहब्बत दिखाई थी इन्होंने तीन महीने बाद वो मोहब्बत खत्म हो गई कि आज लड़की अदालत में जाकर बयान दे चुकी है कि मेरा शौहर मुझे मारता है मैं उसके साथ किसी सूरत नहीं रहना चाहती यही अकल की बात है अगर हमारी बच्चियां जो है वो समझ लें सुन लें कि वालदेन से बड़ा कोई सहारा नहीं है अगर कोई भी काम करना है वालदेन को एतम में लेकर करें वालदे इतने बुरे नहीं है कि आप लोगों की बातों को ना समझें लेकिन जब आप वालदेन की दहलीज को पार कर लेते हैं किसी के लिए और दरवाजे बंद करके चले जाते हैं ये सोच के वालदे से ज्यादा हमें कोई मोहब्बत करेगा तो फिर तीन महीने बाद ये अंजाम होता है कि आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अपने शोहर के होते हुए किसी और के साथ भाग गए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कभी भी ये वक्त किसी लड़की पे ना दिखाए लेकिन लड़कियों को अब सोचने समझने का वक्त आ चुका है वालदेन को जो है इतमाद में उनसे मशवरे लें वरना दुनिया आपको जीने नहीं देगी दुनिया आपको आगे से आगे बेच देगी ये कह के कि लड़की ही ख़राब थी अच्छा जी मैं आपको बताती चलूँ कि निमरा काजमी जो है वो रवा साल अप्रैल के महीने में कराची से लापता हुई थी जिसकी वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें निमरा काजमी को डेरा गाजी खान के एक लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी करते हुए देखा जा सकता है अब खबर आती है कि जी निमरा काजमी उसी लड़के से जिससे उसने पसंद की शादी की थी उसके खिलाफ मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर देती है कि जी वो मुझे तशद का निशाना बनाता है मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती मैं वालदे के साथ रहना चाहती हूँ तो अब बीच में जो मर्जी प्रॉब्लम्स हों ये कच्ची उम्र है ये कम उम्र है इसमें पता नहीं है आपको कि क्या सही है क्या गलत है इसमें आप वाले के सहारे के बगैर नहीं चल सकते आपका कोई मुखलिस होना चाहिए तीन महीने बाद उस लड़की को लगता है कि ये शख्स मेरे लिए सही नहीं और उस पर इल्जाम लगाए जाते उसके ससुराल वालों की जानब से वो किसी और के साथ भाग गई थी तो ये समझने की चीज है जब आप अपनी इज्जत को फलान कर निकलते हैं तो फिर कोई और आपकी इज्जत कभी नहीं करता ये बात हमेशा आपने जान लेनी है मैं आपको बताती चलूं कि जब समात होती है फिर अदालत से उसको वालदेन के हवाले कर दिया जाता है वो अदालत के साथ अदालत से रुजू करती है और अपने वालदेन के पास चली जाती है आपको ये भी बताती चलूँ कि निमरा काजमी बीस अप्रैल को घर से लापता हुई थी और बाद में जब उसको अदालतों में पेश किया गया तो उसने यही बोला कि अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ वालदेन के साथ नहीं रहना चाहती दोनों खानदानों ने जो है वो दस्तखत भी किए थे किसी सेटलमेंट पेपर पे और उसके मुताबिक जो है वो जो शाहरुख नजीब है वो कराची में ही रहेंगे क्योंकि निमरा काजमी की वालदा ने कहा था कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहते हैं तो इस तरह की शादियों का इसी तरह अंजाम होता है कि आप लापता हो गए आपको वरगला लिया आपको धोखा दे दिया वालदे को धोखा दे दिया उसके बाद आप पर इल्जाम लगा दिया कि जी आप भी गंदे हैं आप किसी और के साथ भाग गए हैं तशदुद तो बीच में आता है तो अभी इनकी तलाक़ नहीं हुई और अगर बीच में कोई सेटलमेंट की गुंजाइश होगी अगर मामला सही सिमत में जा सकते हैं तो उसको जाने चाहिए क्योंकि वो लड़का यही बोल रहा है कि जी मैं तलाक नहीं देना चाहता ना लड़की की जानब से ही आई है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ लेकिन मामला तो इस नहज पर पहुँच चुके हैं तो ये सारा मामला है आगे आगे जो चीज़ें होती जाएंगी मैं रिपोर्ट करती चाहूँगी